यूक्रेन और रशिया के माबेन जो जंग इस वक्त चल रही है, तो इसकी वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से बताया जा रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात तो नहीं होगी, लेकिन अगर रशियन जो सिस्टम है जिस तरह का ये इन्होंने एक शुरू किया, शाम में भी इन्होंने किया, अब इसके बाद यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है यूक्रेन, इसमें जिस तरह का ये सिचुएशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक आम जंग नहीं है, इसके काफ़ी मुज़र असरात हो सकते हैं हमारे खिते में, एशिया में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं, और दीगर बर आज़मों तक इसका इसके असरात पहुँच सकते हैं। तो ये एक खौफनाक इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है, उम्मीद करते हैं कि इस पर यूएन में इजलास भी हुआ है, कुछ करारदाद भी पास हुए, लेकिन असरात कुछ नहीं दिख रहे हैं। कार्किव शहर पर भी कब्जा रूस का कंट्रोल हो चुका है, और 3-4 और ऐसे शहरों पर भी रशिया का कंट्रोल हो चुका है, और रशिया यूक्रेनियन जो बता रहे हैं जो ऑफिशल्स के तकरीबन 5000 से ज़ायद जो है जो रशियन ट्रूप्स जो है उन्होंने टारगेट किए हैं रशिया के, और तकरीबन 300 जो जहाज है रशिया के वो भी मार गिराए उन्होंने। इसी तरह रशिया की टैंक्स उन्होंने निशाने बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है वो ही खौफनाक है। हॉस्पिटल से लेकर यतीमखानों और दीगर तमाम तरह इलाकों को रशिया की जानब से निशाना बनाया जा रहा है। आज 7वां रोज चल रहा है वहाँ पे इस जंग का। तो मज़ीद इस हवाले से आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जंग ये इख्तिताम पज़ीर हो, ये आगे ना बढ़े। कुछ चैनल्स ये बताते हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहे, तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि आगे से यूरोप है, पीछे रशिया है, और उसका जो इक्तिसादी विल पावर तो यही वो यूरोप से कहीं वो कर जाती है। तो अगर वो जंग छेड़ता है रशिया और जंग को मज़ीद तूल देता है, तो फिर उसके अपने लिए ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। थैंक्स।